गया भाई सब लोग। लेब में सर इधर इधर सर ओके बोल कर सर रेडी संतोष जी सबसे पहले ना मैं जब मैं इस फिल्म का टाइटल देखता हूँ या सुनता हूँ मेरे को नजर आता है तो मुझे ना 2 बीघा जमीन की याद आती है तो क्या कनेक्टिविटी है उससे थोड़ा सा अपने बारे में देखिए कनेक्टिविटी वो एक अलग कहानी है उस और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी है। ये कहानी अपने आप में एक ऐसा है कि आप इस फिल्म को देखने के पहले यदि कहानी पढ़ेंगे तो आपको कहानी विषय में अपने आप मालूम हो जाएगा कि क्या कहानी का इसका रूप है। मैं बचपन से मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़ता रहा, पढ़ पढ़ कर मुझे उन कहानियों को अभिनय के रूप में देखने लगा और उसी के रूप में मैंने उनकी कहानियों को में के फिल्म के रूप को देखा और उसके साथ साथ मैंने 2006 में पहली फिल्म मंत्र बनाई। उसमें मैंने एक्शन डायरेक्टर अपना पूरा कहानी लिखी, डायरेक्शन दिया, गीत लिखा, अभिनय किया, वो पहली फिल्में थी। उसके बाद मैंने कफन बनाई, उसमें भी मेरा यही काम था, मंत्र बनाई, नमक का दरोगा बनाई। लेकिन हमारे दोस्त यार ऐसे मिलते रहे कि यार कुछ बड़ा करो और बड़ा करने का मेरा ही मन था। तो मेरे मन में ये सबसे पहले यही कहानी आई थी कि मैंने बना दी हो कहानी। तो इस कहानी में जब मैं लिखते लिखते मैं रोने लगता था तो मैंने कहा इसको मैंने मुझे इसका मुख्य किरदार मुझे निभाना है। तो उसी हिसाब से फिल्म बन गई और तमाम उद्देश्य हैं। यदि आप आगे मुझे मौका देंगे तो हम फिर बताएंगे आपको। मैडम कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट का। मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा और व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट ही अप्रोच यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आपका क्या रिएक्शन जब आपको अप्रोच करा गया कि आप इस फिल्म का हिस्सा बन। जब मुझे बोला गया कि आपकी कास्टिंग हो गई और इसमें मेरा चंपा का करेक्टर है, सबसे पहले मैं मीडिया को थैंक्स कहना चाहूँगी जिसकी वजह से हम स्टार बनते हैं, सुपर स्टार बनते हैं। तो सबसे पहले आपको थैंक्स, इसके बाद में हमारे प्रोड्यूसर और हीरो भी हैं उसमें, लीड में मैं लीड किया है तो उनको बहुत बहुत थैंक्स है जो इन्होंने हमको इस फिल्म में काम करने का मौका दिया, तो इनको दिल से धन्यवाद। और इसके डायरेक्टर जो हैं दीपक त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनको भी धन्यवाद। और इसके जो DOP हैं शिवा चौधरी जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जिसको एक्टिंग नहीं आती उससे भी वो काम निकलवाना जानते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। और इसमें मेरा करेक्टर है चंपा का, जो कि एक चुलबुला करेक्टर है, तो मुझे ये करेक्टर करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। आगे भी मैं चाहती हूँ ऐसा ही करेक्टर करूँ। और ये सवा शेर भी हूँ जो मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है, उनकी कहानी है, तो संतोष गुप्ता जी का क्या कहना, इन्होंने उसको रिटर्न भी किया है, हीरो भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो ऑल इन वन। ओके संतोष जी, मैं जब बहुत क्लोज जो एक क्लोज आपका पोस्टर में दिखता है मुझे रघुवीर यादव जी की याद दिलाता है। क्या इस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि आप रघुवीर यादव की याद दिलाते हैं, प्लस इतने सारा डिपार्टमेंट अकेले संभालना, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आपको खुद फ्रेम में जाके खड़े होना है, खुद परफॉर्म करना है और फिर खुद अपने आप को जज भी करना है कि मैंने सही किया कि नहीं किया मॉनिटर पे आके, ये कैसे मैनेज किया? बहुत सब इजी काम है, आप देखिए कितने आप लोग हैं उसके सब के बीच में आप एक अकेले ही मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, और भी तो लोग हैं। तो एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, मेरा अपना सोच है, हम 0 से हीरो बन सकते हैं और आपके अंदर लगन होनी चाहिए इसी काम को, यदि आप में लगन है सब कर सकते हैं। मैंने इस फिल्म में अपने गीत भी मैंने लिखे, 5 गीत हैं उनको लिखा मैंने, तो मतलब क्या मुझे बोलें, बहुत आप देखेंगे फिल्म को तो आप मुझे वाह निश्चित करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से कि मुंशी प्रेमचंद की बात जब कोई भी करता है या स्कूल में पढ़ाए जाते हैं मुंशी, आज भी किताबों में है उनका जिक्र, उनकी कई कई वाक्य उनके जीवन के बारे में, समाज को क्या मैसेज देगी? हालांकि लोगों को जिस कॉन्सेप्ट पे आपने फिल्म बनाई है लोग और पहले से अवगत हैं। सर जी, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बहुत से लोग फिल्म मेकर दूसरी कहानियों पर फिल्म बनाते हैं, पता है उन कहानियों का सिर पर है या नहीं। हमारे बीच के, हमारे अपने देश के ऐसे
कहानीकार हैं, हम इन पर बहुत बहुत काम कर सकते हैं और कहानियों के साथ साथ में मनोरंजन दे सकते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को मुंशी प्रेमचंद जी क्या थे उनके विषय में अवगत करा सकते हैं। आज यदि हम हमारे कहानीकार जो कुछ करना चाहते हैं यदि मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में कुछ नहीं उठाएंगे तो एक वो सितारा बहुत छोटा सा सितारा बन के रह जाएगा। हमारा बस मेन उद्देश्य ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी को हम जितना हीरो बना सकें। हमारे लोग कहते हैं यार तुम्हारी नॉन कॉस्ट स्टार फिल्म है, तो हमारे पास सबका बाप है मुंशी प्रेमचंद जी, हमारे हीरो वो है, हमारा सब कुछ वही है। हम तो उनके जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी कहानियों पर फिल्म बनाना चाहते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। अपने बच्चों को इस कहानी के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, शिक्षा लें कि कैसी कैसी उन्होंने कहानी लिखी है। हमारे स्टूडेंट, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर ऐसी कहानियों को बच्चों को फिल्म देखने के प्रेरित करें। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी फिल्म को यदि उनको लगे कि अच्छी तो इसके लिए संपूर्ण रूप से इसका टैक्स फ्री किया जाए। टैक्स फ्री की आपने बात करी और एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, क्या आपको लगता है कि आपको जब फिल्म रिलीज होने की कगार पे है मुंशी जी खुद जहाँ से थे वहाँ उस स्टेट के सीएम से आके मुलाकात करी जाए? वो हमारे यूपी के हैं और हम इसके बाद फिल्म रिलीज के पहले हमारा एक मन है कि हम अब उनका गांव है लमही बनारस के पास, वहाँ जाके भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मेरा ये मन है। कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम कि सर ने जैसे बताया कि बच्चों को आज की जनरेशन को पता चले और बहुत सी फिल्में बनती हैं आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कॉपी पेस्ट हो रहा है भाई, साउथ से ले ली, हॉलीवुड से ले ली, लेकिन एक इस तरह की सेंसिबल फिल्में जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उनके इस तहजीब को बताती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है इस फिल्म का टैक्स फ्री हो जाना? जी हमारी फिल्म तो सोशल मैसेज है, अपने आप में एक मैसेज है, फिल्म ही हमारी, फिल्म का टाइटल और जैसे मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है तो उसको लेकर के तो हमारी फिल्म ही एक मैसेज है। तो अब ये तो आने के बाद पता चलता है कि हमारी जनता कैसे उसको पसंद करती है, ऑडियंस हमारे क्या व्यू हैं, तो ये तो आने के बाद। वैसे स्टोरी और वो जो भी कास्टिंग है हमारी बहुत अच्छी है, सभी ने अपने दिल से बहुत अच्छी एक्टिंग की है और सबसे बेस्ट एक्टिंग जो की है हमारे संतोष गुप्ता जी ने की है, बहुत अच्छी। जब आप इनकी एक्टिंग देखिएगा तो आप खुद बिना तालियां बजाए नहीं रह पाएंगे, बहुत बेस्ट एक्टिंग की है इन्होंने। तो जी आप कितना, मैं समझता हूँ कि टैक्स फ्री होना बहुत जरूरी है, तो क्या आपकी आगे क्या कार्रवाई रहेगी कैसे? और मुझे ऐसा लगता है जैसे आमिर खान साहब तारे जमीन पे फिल्म बनाते हैं, सेंसिटिव मुद्दों पे बात करते हैं, सत्यमेव जयते की बात करते हैं, उनके शो के माध्यम से बहुत से मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आमिर को भी फिल्म दिखानी चाहिए? बिल्कुल, आप लोग अगर दिखा दें तो हम छोटा सा व्यक्ति भी लगेगा कि हम बड़े लोगों के बीच में हैं। और एक मेरा मन बहुत ये करता है कि हमारे बच्चे आज भी हमारे बच्चे हिंदी विषय में बहुत फेल होते हैं, हम बहुत सी बातें अंग्रेजी में करते हैं। हमारा देश, हम अपने यूपी में इसका एक हिंदी पखवाड़ा चलाते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हिंदी के विषय में कुछ भी काम नहीं करते हैं। हमने अपनी फिल्में कोशिश की है कि 100% उसमें हम हिंदी का प्रयोग करें। मैंने कास्टिंग हिंदी में की है, अधिकांश अपने मेन पोस्टरों में भी मैंने हिंदी का काम किया है। तो हम सरकार से या अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहेंगे कि इस विषय में बच्चे हमारे हिंदी में जितना अधिक से अधिक काम हो सके उतना काम हो, और इस फिल्म के माध्यम से हम चाहते हैं और भी लोग मेकर जो फिल्म मेकर हों ऐसी कहानियों पर, सार्थक कहानियों पर फिल्म बनाएं। उनकी कहानियों पर हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं, उस पर भी हमारी ये कहानी लिखी रखी है सुजान भगत, उस पर हम उसका टाइटल मैंने चेंज किया है सीनियर सिटीजन, इसके बाद मेरी वो फिल्म है सीनियर सिटीजन। अच्छा, कब तक फिल्म रिलीज हो रही है? 22 अप्रैल 2022। मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से क्यों वो आए, आप दोनों से पूछना चाहूँगा और फिल्म का हिस्सा बने, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि आज इस भागम भाग दौड़ से एक अलग फिल्म की फिल्म देखें जिससे उनको सुकून मिले, उनको लगे कि हमारे बीच में अभी ऐसे कलाकार, सच मानिए सर जी बहुत से लोग, हम बहुत सी बड़ी उम्र के लोग भी मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं जानते। हमारा बस एक उद्देश्य है कि एक एक बच्चा आज का जो स्टूडेंट है वो मुंशी जी के की कहानियों के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से वो बच्चा मुंशी प्रेमचंद जी को जानने लगे, पहचानने लगे और उनकी उनकी कहानियों के अनुसार वो उसमें ढलने लगे, उससे प्रेरणा ले, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं आज की जो जनरेशन है उससे प्रेरणा ले, बस यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच।